पूरी दिल्ली में हर एक ग्राउंड के ऊपर फॉग था, और वो फॉग नहीं था, धूल की एक जो गुब्बार बना होता है वो हर एक ग्राउंड के ऊपर था। अगर आपको पानी नहीं मिलता तो आप है ना हरियाणा पंजाब पहुंच जाते हो। हजारों करोड़ रुपए आप तक राघव चड्ढा की शादी में फूक चुके हो। पूरी दुनिया जानती है परिणीति चोपड़ा को शादी करने के लिए क्या मिला राघव चड्ढा से। पैसा कहाँ से आ रहा है? ये भगवंत मान की सरकार ने दिया है। जाँच कराई जाएगी तो ये सामने आ जाएगा कि राघव चड्ढा की शादी का पैसा कहाँ से लगा। आपकी 25% इनकम आपके बिजली के बिल में चली जाती है। ये देन किसकी है? आपके मुख्यमंत्री की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जिस तरह से देखा जाए अभी नवरात्रे गए हैं, अभी साथ साथ में करवा चौथ और उसके बाद दिवाली आने वाली है। दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पटाखे बैन किए जाने चाहिए दिल्ली के साथ साथ NCR में भी। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे, क्या पटाखे बैन हो जाने चाहिए? देखिए, पटाखे बैन करना अगर समस्या का हल होता तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को प्रदूषण पे भी ध्यान देना चाहिए। उससे पहले कि दिल्ली में ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, साफ सफाई के जरिए MCD किस तरीके से काम कर रही है, आप जहाँ भी जाके देखोगे तो धूल मट्टी पूरी दिल्ली में इस टाइम पे है। और आज मैं बताता हूँ आपको, कल दशहरे का इतना पावन पर्व था और उस पावन पर्व के दिन आप देख रहे थे पूरी दिल्ली में हर एक ग्राउंड के ऊपर फॉग था, और वो फॉग नहीं था, धूल की एक जो गुब्बार बना होता है वो हर एक ग्राउंड के ऊपर था, जिससे कि आधे से ज़्यादा आबादी दिल्ली की इस टाइम पे गला खराब होने की वजह से परेशान है, जिसमें कि मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। खुद भी शामिल है जी, बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ में देखा जाए जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में पराली जल रही है, जिस वक्त केजरीवाल आया था उस वक्त ये बोला गया था मैं दिल्ली में आऊंगा तो प्रदूषण नियंत्रण करूंगा, साथ साथ में उन्होंने एक स्मोक टावर भी बनाया था जो 6-7 महीने से बंद पड़ा है, क्या? देखिए, पराली हरियाणा और पंजाब में होना यही सब कुछ नहीं है, आप दिल्ली पे काम कीजिए। आप है ना कभी अगर आपको पानी नहीं मिलता तो आप है ना हरियाणा पंजाब पहुंच जाते हो। आज आपकी पंजाब में सरकार होगी तो सिर्फ हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे, पंजाब से आपका पानी आ रहा है, वो पता नहीं कौन सा बाईपास लेके पानी आ रहा है उनका, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही समझा सकते हैं, इसको कोई नहीं समझा सकता। अच्छा। और रही बात आपके प्रदूषण की, प्रदूषण सिर्फ पराली की वजह से नहीं है, आप दिल्ली में कंट्रोल कीजिए। अभी स्मॉग का आप किस तरीके से हैंडल करोगे स्मॉग को अभी पता चलेगा आने वाले दिनों में। अभी तो 324 AQI है दिल्ली में, लेकिन अभी आप देखोगे तो ये 400-500 क्रॉस करेगा, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल कुछ ही दिनों में ये कहते हुए नजर आएंगे कि हमने एक शानदार और वर्ल्ड क्लास दिल्ली को अपने घर में रहने के लिए मजबूर किया है। तो आप झीलों का शहर बना था, वैसे लोग मजबूर हो जाएंगे अपने घरों में। देखिए, झीलों का भी शहर है और ये जहरों का भी शहर है, और इसके लिए सिर्फ एक ही आदमी दोषी है जो अपने आप को सिर्फ राजा और रंक की तरह राजा दिखाता है, राजा आदमी है और रंक दिखाता है। रंग कैसा होता है ये भी पूरी दुनिया को पता है। हजारों करोड़ रुपए आप तक राघव चड्ढा की शादी में फूक चुके हो, पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, राघव चड्ढा की शादी में जो पैसा है वो केजरीवाल ने फूका है, राघव चड्ढा ने खुद कुछ नहीं लगाया। देखिए, एक पूरी दुनिया जानती है परिणीति चोपड़ा को शादी करने के लिए क्या मिला राघव चड्ढा से। पैसा कहाँ से आ रहा है? ये भगवंत मान की सरकार ने दिया है। जाँच कराई जाएगी तो ये सामने आ जाएगा कि राघव चड्ढा की शादी का पैसा कहाँ से लगा। राघव चड्ढा 50 लाख की अपनी इनकम दिखाते हैं कि मेरी टोटल आय इतनी है 50 लाख, और परिणीति चोपड़ा जो उससे करीब कई हजार गुना ज़्यादा पैसा उनके पास, लेकिन उनको राघव चड्ढा मिले हैं सिर्फ। कोई और एक्ट्रेस ऐसी नहीं थी जो उनको कभी ऐसा, मतलब पॉलिटिशियन नहीं मिला, लेकिन राघव चड्ढा को, परिणीति चोपड़ा को राघव चड्ढा मिल गए। अच्छा, 2021 में जो है स्मोक टावर लगाया गया था दिल्ली के कनॉट प्लेस में ही, तो अब बात की जाए उस स्मोक टावर की जिसमें 21 करोड़ रुपए की लागत लगी थी बनाने में, जिसको उद्घाटन किया गया था 2021 में, अब पिछले 8 महीने से बंद है। ये वही स्मोक टावर है जिससे प्रदूषण नियंत्रण होना था, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है फेल हुई है? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने किसी भी कार्य में पूरी तरह से फेल, नाकाम है। आप अगले इनका 7 से 8-10 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए, हर साल प्रदूषण होता है, हर साल दिल्ली अपने घरों में पैक होती है और दिल्ली को मास्क लगाना पड़ता है। और रही बात स्मॉक टावर्स की, आप गौतम गंभीर आपके जो सांसद है दिल्ली में BJP के, और प्रवेश वर्मा दिल्ली BJP के सांसद है, उन्होंने किस तरीके से अपने यहाँ पे हैंडल करी है चीज़ों को, वो बताता है कि आप अगर एक मॉडल लेके आओगे आपके पास प्लान होना चाहिए, जब आपके पास प्लान नहीं है तो आप हमेशा विफल रहोगे। आप आते हो हजारों करोड़ की मार्केटिंग करते हो और अपने हर एक बस के ऊपर इन्होंने स्टिकर्स लगा रखे हैं कि मैं अपनी लाइन में चल रहा हूँ, आप अपनी लाइन में चलो, लेकिन कभी भी आप देखोगे इनकी बस कभी लाइन में नहीं होती, दूसरे की लाइन में होती है, लेकिन स्टिकर इन्होंने लगा रखे मैं अपनी लाइन में हूँ तुम अपनी लाइन में चलो। तो
तो ये बहुत सारी चीज है, इस इंसान को समझनी पड़ेगी। ये इंसान बेगैरत इंसान है, इसने कभी जिंदगी में शायद बस यही देखा है कि मुझे एक राजा की तरह है, ये राज करना चाहता है, ये मोदी जी की जगह लेना चाहता है लोगों के दिनों में। लेकिन दुनिया जानती है राजा और चोर में अंतर क्या होता है। और आज मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगले साल लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जो वो सपने देख रहे हैं ना, उन्होंने सबको फ्री दे रखा है। जो देखिए, फ्री का राशन तो किसको दे रखा है? मेरे घर का बिल आता है 7,000-8,000 रुपए महीने का, ठीक है? आपके घर का ईमानदारी से आप खुद बता दीजिए, आपके घर का बिजली का बिल कितना आता है? आपके पास जवाब नहीं होगा एज अ पत्रकार कहना कि मैं कितना बोलूं, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी इनकम में से कितना पैसा देते हो। आपकी 25% इनकम आपके बिजली के बिल में चली जाती है। ये देन किसकी है? आपके मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल। मेरे मुख्यमंत्री जी, देखो लोकतंत्र है, मेरे संविधान के मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री नहीं है वो। मेरे मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई चुन के आएगा तो वो मेरा मुख्यमंत्री है। क्यों? क्योंकि जो आदमी, जो पार्टी लोकतंत्र के तरीके से सरकार चलाएगी वो मेरा मुख्यमंत्री है। और ये लोग इतना अगर अंदर पहले कहते हैं, पूरे खुल के कहते हैं पूरी दुनिया के सामने, अरे तुमने इसके ऊपर क्या कार्रवाई करी है मेरे आदमियों पर, अरे मुझ पर करके दिखाओ। जब आप पे कार्रवाई करके दिखा दी तो आप पूरी दुनिया के सामने रोते हो कि देखो जी हमारे साथ मोदी जी गलत कर रहे हैं। या तो चैलेंज मत करो, जब चैलेंज करते हो तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करो। तो जिस तरह से दिल्ली में देखा जाए, दिवाली आ रही है, पटाखों को बैन करने की बात चल रही है, क्या एक दिन पटाखे नहीं जलेंगे? या एक दिन पटाखे जलेंगे तो प्रदूषण में नियंत्रण हो जाएगा ना जलाने से? और जिस तरह से बात चल रही है एनसीआर में भी पटाखे बैन होने चाहिए, क्या प्रदूषण को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जो पटाखे हैं वो बैन कर दिए जाए? आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।